जीवन में हर व्यक्ति सुख की चाह करता है, पर सुख से भी ऊपर ये परमानंद है, क्योंकि सुख तो वो होता है जो व्यवस्थाओं से आता है। लेकिन व्यवस्था ना भी अच्छी हो, जहाँ सुविधा ना भी अच्छी हो, फिर भी अगर आप सुखी हैं तो समझिए आपके जीवन में आनंद है, सुख नहीं है, आनंद है। सुविधा ना होने पर भी सुख का अनुभव हो, इसका मतलब हमारे जीवन में परमानंद की प्राप्ति हमें हो चुकी है। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे भगवान जो सत्य चिद और आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है, तापत्रय विनाशाय तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनकी अहलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं। इसी भाव के साथ श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है, महात्म्य का आरंभ होता है। ये कथा गंगा बही कहाँ से, इन नैमी शारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। 88,000 ऋषि आशा में बैठे हैं, पिपासु बैठे हैं कि कोई महापुरुष आए हमें कथा श्रवण कराए। तभी सूत जी का आगमन हुआ। जाति उच्च कुलीय नहीं है, पर जाति पाति ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। भगवान की कथा सुनाने वाला, भगवान की चर्चा सुनाने वाला कोई भी हो, और जाति ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से क्या लेना देना, काम तो तलवार करती है ना। तो साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु ही एक जाति है। सब आए, सबने खड़े होकर सूत जी को प्रणाम किया, उच्च आसन पर विराजमान किया और सूत जी से निवेदन किया, हे प्रभु, आपका ज्ञान समस्त अज्ञान रूपी अंधकारों का नाश करने वाला है, इसलिए हे प्रभु हमें कोई कथा सुनाइए। और कथा भी कैसी, कथा सारम, जो सब कथाओं का सार हो वो सुनाइए। कि महाराज समय कम है हमारे पास, क्यों जी, इन साधुओं की कौन सी फैक्ट्रियां चल रही थी जो उनके पास समय नहीं था। लेकिन महापुरुषों ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, उनके पास तो समय ही समय था, पर उन महापुरुषों ने ये प्रश्न हम जैसे कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए पूछा है। क्योंकि सब महापुरुष जानते, आगे जैसे जैसे समय आएगा, लोगों के पास एक ही बहाना सबसे पहले तैयार है, कथा सुनने चलो। अजी कहाँ कथा वथा, हमारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब पूछो, अगर सांस लेने की फुर्सत इनके हाथ में होती ना, तो दो चार लोग तो काम में इतने व्यस्त हो जाते कि सांस लेना ही भूल जाते, काम करते करते दो चार तो ऐसे ही टपक लेते रोज। कैसे चले गए, बोले काम में घने बिजी हो गए और सांस लेना भूल गए। वो तो अच्छा ठाकुर जी ने अपनी कंट्रोल में रखा कि चल बेटा तू बिजी हो जा, सांस लाना जाना ही तो हम करा देंगे, इतने व्यस्त है हमारा। ये सब बेकार की व्यस्तता है, अभी फोन दे दो, घंटा भर उसमें बिता लेंगे, कोई व्यस्तता याद नहीं रहती, सब व्यस्तता भाग जाती है। घंटे घंटे भर बतिया लेंगे फोन पे बात करते करते, और जी कैसे हो, लाइक कैसे याद किया, अरे वो बैठे थे खाली खाली, पता नहीं बैठ कैसे लेते, खाली थे सोचा आप ही से बात कर लेते। व्यस्तता हमारी अपनी चीजों को लेकर ही है, जहां भगवान की बातें आती वहीं व्यस्तता आती है हमारी। अपने संसार के कामों तो देखो समय समय हमारे पास, दिन भर का खाली समय, कितनी अजीब बात है ना। पहले लोग कितना हाय हाय करते थे, अब भी करते, समय नहीं, समय बीच में एक टाइम आया 2 साल का,
याद है ना, सबको याद होगा, कंप्लीट लॉकडाउन। और जब कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो पहले एक आध महीने में तो सबने महाराज खूब नया कुछ हुआ था ना, तो खूब मजे लिए घर पे, खूब बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाया। फिर राशन ही खत्म हो गया तो अब जाएं कहाँ, फिर वो रामायण आ गई वो भी देख डाली, तो अब क्या करें। फिर सबका फिर वो जैसे मक्खी मच्छर फिर वो कुलबुलाने लगते ना, अजी अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब तो टाइम नहीं कट रहा, क्या करें, दिन भर पड़े रहते। पहले ऑफिस जाते थे तो ये रोना था कि समय नहीं मिलता, अब ये रोना है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम ये सब, टाइम कैसे काटे, टाइम नहीं कट रहा। आदमी को भगवान जो भी दे दे वो उसमें कमियां ढूंढ ही लेता। समय दिया तो उस समय का भी हमने उपयोग नहीं किया। कोई आप लोग तो खैर सत्संगी, आप सबने तो बढ़िया उपयोग किया ही होगा, खूब भजन किया होगा, है ना, किया था ना, खूब 64 माला करी होंगी एक एक दिन में, 24 घंटे खाली तो थे हम, कहीं आना नहीं जाना नहीं मिलना जुलना नहीं, खूब बढ़िया 1,00,000 रोज नाम जाप किया होगा। सारी बात भैया समय की नहीं है, सारी बात हमारी अपनी मानसिकता की है। जिसके मन ने भजन करना सीख लिया वो दुकान पर भी बैठा बैठा भजन कर लेगा। सदन जो कसाई था दुकान पे मांस बेचता बेचता भजन करता था। भक्तमाल में सदन कसाई का नाबाजी ने वर्णन किया है, मांस बेच रहा दुकान पर बैठ के भजन कर रहा। जिसके मन ने भजन करना सीख लिया वो कहीं कर सकता है। जैना भाई गोबर के कंडे बनाते बनाते भजन कर गई, लड़ाई कर रही है, मेरे कंडे नहीं है। दूसरी वाली ने पूछा तेरे और इसमें फर्क क्या, कोई सा भी ले जा। बोले नहीं, मेरे कंडों की अलग पहचान है, तेरे कंडों की क्या पहचान है। कंडे समझते हैं ना, कंडे को क्या बोलते हैं बंगला भाषा में दादा, कंडा को क्या बोलते हैं बंगला भाषा है, बूटे, बूटे। ये भी बंगाल के ही है ना, तो इनको पता है। तो उसके लिए गूटे के लिए लड़ रही है जेना भाई, बोलती है कि ये मेरे गूटे नहीं है। तो बोले तेरे में क्या फर्क है। बोले मेरे में ये फर्क है कि जिस भी कंडे को लेके तुम कान से लगाओगे उस कान से आवाज आएगी, विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा, ये मेरे कंडों की पहचान है। तो उसने कंडे बनाते बनाते भजन कर लिया। भजन कहीं भी कैसे भी हो सकता है, भजन का मन होना चाहिए। तो समय का तो कभी भी ये जो एक्सक्यूज है ये भगवान के लिए नहीं देना चाहिए। ये बोलो कथा सुनने का मन नहीं है हमारा, समय नहीं, ये मत बोलो, समय तो है ही, खूब है। सब महापुरुष जानते थे कलयुग आएगा, लोग समय का बहाना देंगे। इसीलिए सूत जी से कहा महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार सार हो। जैसे दूध की वो ऊपर से मलाई उतार ले ना और उससे घी बना ले, वैसे ही हमको पूरा नहीं चाहिए वेद शास्त्र सब सब, कौन किसके पास समय होगा कलयुग में पढ़ने के लिए। इसलिए कोई एक ऐसा सार सुना दीजिए जिसमें सब का तत्व समाया हुआ हो, क्योंकि महाराज आगे समय बड़ा भयानक आने वाला है। महापुरुष कह रहे सूत जी को महाराज समय बड़ा कलयुग कलिकाल आने वाला है, इस कलयुग में वो होगा जो किसी ने सोचा ना था। इस कलयुग में ऐसी ऐसी व्यवहार लोगों के देखने को मिलते हैं,
सत्युग में किसी को एक रात पहले बोल दिया जाए कि तुमको कल झूठ बोलना है तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती थी, आज कलयुग में किसी को बोल दिया जाए तुमको कल सच बोलना है तो उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी, कल सच बोलना पड़ेगा। अजी कैसे बोल, अजय महाराज आप क्या जानो धंधा वंदा, धंधे में बिना झूठ से काम चलता है? कैसे धंधा चलेगा जब तक झूठ नहीं बोलेंगे? चलो कुछ चीज झूठ तो, देखो मैं ये तो नहीं कह सकती कि झूठ बोलना अच्छा, पर कहीं कहीं किसी को लाभ हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा तो अलग बात होती है। शुक्राचार्य जी की नीति में शुक्राचार्य जी ने कहा कहाँ कहाँ झूठ बोल सकने पे पाप नहीं लगता, एक बार मैंने कभी सुनाया है उसमें एक ये भी है कि पत्नी को मनाने के लिए, शुक्राचार्य जी की नीति में कि पत्नी को मनाने के लिए कभी कभार थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए कि माता तू सुखी रहे, कम से कम घर में महाभारत तो नहीं होगा। एक झूठ और भी उसमें लिखा था, वो वैसे सबको मान्य नहीं है, पर उसमें शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जब लड़की को ब्याहने जाते हैं तो लड़की को ब्याहने के लिए लोग बड़ी बड़ी लंबी, अरे हमारी बेटी तो गाय है गाय, अब बाद में पता चलता कि सींग वाली गाय है, मरखनी गाय है। एक सास आई लड़की को देखने, बोली बेटी तुझको कुछ आता है, कुछ रामायण की चौपाई, कुछ भागवत जी के महाभारत जी के कुछ श्लोक लोग कुछ आते हैं? तो बेटी बोली कि माँ जी भागवत जी के एक श्लोक तो आपको यही सुना देती हूँ, रामायण की चौपाई सुना देती हूँ, महाभारत तो आपके घर ही आके करूंगी, अभी रामायण से काम लगा लूंगी।